नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप्रेजियास किचन में। आज अप्रेजियास किचन में हम बनाएंगे ब्रेड पैटीज, जो कि बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। के लिए मैंने लिए है ये आलू उबले हुए, तो मैंने 9 से 10 आलू ले लिए है उबले हुए। इसको हम हाथों से ही इस तरह से तोड़ लेंगे। हमारे आलूओं को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ता, ये पुदीना कटा हुआ। इसमें हम डालेंगे फ्रेश कूटा हुआ अदरक और मिर्ची। हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ये जो अदरक और जो मिर्ची का मैंने कूटा हुआ जो पेस्ट डाला है वो तकरीबन एक बड़ा चम्मच है। आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी। इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला एक चम्मच। हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा। इन सबको हम कर देंगे मिक्स। हमारा ये मसाला बनके रेडी है। ब्रेड का कोटिंग बनाने के लिए हम ले लेंगे चने का आटा। मैंने 2 बड़े कप चने का आटा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हम इसमें डाल देंगे अजवाइन एक चम्मच है अजवाइन। उसको इस तरह से दोनों हाथों से मसल के हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर हल्दी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको लिक्विड कर लेंगे। हमें ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए, हमें इसका जो कंसिस्टेंसी है इसका हमें मोटी कंसिस्टेंसी रखना है। इसकी गुठलियाँ हमें अच्छे से निकाल देना है, इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे ये ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपको कि अगर जो आपको इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है वो भी आप डाल सकते हो, बट हमारे घर में बच्चे खाने वाले हैं इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए ये आटा का जो हमने पानी डाल के जो ये बैटर बनाया था इसकी कोटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपके हाथ से जब ये गिरे तो आपके हाथों को प्रॉपर कोट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, आप ज़्यादा पतला कर दोगे तो आपके ब्रेड पे कोटिंग नहीं लगेगी अच्छे से। तो मैंने ये 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, आप देख सकते हो 4 स्लाइसेस लिए हैं मैंने।
अब हमारे पास जो फिलिंग है हम उसको लेके इस पे लगा देंगे। आप हाथों से या आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसके ऊपर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो। अच्छे से हमने देखिए इस तरह से लगा दिया है। अब ब्रेड लगा देंगे इसके ऊपर दूसरा वाला और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। मैं आपको दूसरा हरी चटनी वाला भी दिखा देती हूँ। ये हरी चटनी जो है ये मैंने घर पे बनाई हुई थी। हम इसके ऊपर आलू लगा देंगे। अब ये ब्रेड को हम कर देंगे बंद। अब इसको हम फ्राई करने की तैयारी करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल है ये, और उसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। मीनवाइल हम इसको काट लेंगे बीच में से। ये देखिए इस तरह से। हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो काटा हुआ ब्रेड पीस है इसको हम डाल देंगे ये बैटर में। उसको आगे पीछे अच्छे से हम कोट कर लेंगे और उसको हम तेल में छोड़ देंगे। दूसरा वाला भी इसमें इस तरह से कोट करके हम डाल देंगे। इस तरह से मैंने पलटा लिया है। देखिए एकदम फ्लफी और कितना अच्छा ये पफ हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे। ये छोटे छोटे बूंदी जो बने हैं ये भी खाने में काफी टेस्टी लगता है। हम इसे भी निकाल लेंगे। हल्का सा हमने गोल्डन होने दिया है इसको और काफी क्रिस्पी बना है ये देखिए। हलवाई जैसे मार्केट में जैसे मिलता है वैसे ये बनके तैयार है। देखिए किस तरह से फूले फूले से बने हैं। हमने इसमें कोई भी तरीके का सोडा यूज़ नहीं किया है फिर भी ये इतने अच्छे बने हैं। देखिए इसे ज़्यादा देर लगता नहीं है, इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगते हैं और बहुत अच्छे से ये पक जाता है। गैस का फ्लेम हमने कर दिया है बंद। अब हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म। ये देखिए मैंने इसको काट लिया है बीच में से और ये कितना सुंदर बढ़िया इसका कलर भी दिख रहा है। गर्मा गर्म है ये फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो घर पे ही। मार्केट में जो तेल मिलता है वो काफ़ी ख़राब रहता है बट इसका हम घर पे जो तेल यूज़ करते हैं वो काफ़ी प्योर तेल रहता है, रिफाइंड ऑयल रहता है, जिसको आपको कोई नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हम इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बना है। आप चाहो तो आप मायोनीज के साथ या सॉस के साथ इसे आप खा सकते हो। आप इसे घर पे बनाइएगा ज़रूर, मार्केट जैसा टेस्ट आपको घर पे मिलने वाला है अगर जो आप इस तरह से बनाते हो।
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।